नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते से ही पता नहीं रात को क्या सपने हमको आए हुए हैं, क्या चालू रहा है दिमाग में। हो सकता है कि बुरे बुरे सपने आए हैं और वहाँ से फिर कुछ तो भी थॉट, जो सवेरे सवेरे सपने रहते हैं वो थॉट चालू रहता है दिमाग में। हो सकता है कोई बुरा सपना होगा और वो थॉट चालू होगा, तो वो थॉट कंटिन्यू चालू रहते हैं। या फिर सुबह उठते से हम बेड पर से उठते हैं और फिर लगता है कि अरे बाप रे, अभी फिर से वही है, फिर बच्चे अभी रो रहे हैं क्या, फिर अभी मुझे काम पे जाना है क्या, या फिर कोई आया हुआ है मिलने के लिए आया हुआ है सवेरे सवेरे, उसको मिलना है क्या, कोई चंदा मांगने आया क्या, अभी वही काम करना पड़ेगा। मतलब हम खुद को कंटिन्यूसली अपने आप से निगेटिव बातें करते रहते हैं, खुद को निगेटिव सजेशन देते रहते हैं। और ये जो निगेटिव सजेशन जो है, ये जो थॉट है, ये इसका एक खासियत क्या होती है कि एक थॉट आ गया ना तो वो दूसरा एक निगेटिव थॉट दूसरे निगेटिव थॉट को वो पूरा और ला लेता है, वो सेकंड थॉट थर्ड निगेटिव थॉट को ला लेगा। और हो सकता है कि निगेटिव थॉट इतने एक के पीछे आते जाएंगे कि अपने को निगेटिव लगना चालू हो जाता है और फिर उत्साह नहीं रहता। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एक तो मैंने काफ़ी सारे मॉर्निंग अफर्मेशंस के वीडियोस तैयार किए हुए, वो आप सुन सकते हैं। मुझे आज दिन भर बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत एनर्जेटिक और उत्साहित रहूँगा, मैं कुछ भी काम आसानी से सहजता से कर लूँगा, मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही है, मैं आज सबसे मिलने वाला हूँ, जो भी मैं काम करने वाला हूँ उसमें मुझे सफलता मिलने वाली है, मैं बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। मतलब इस तरह के सजेशंस हम उठे मुँह पर से हाथ घुमाते, प्रार्थना करते, जो भी शक्ति एनर्जी जिसको आप मानते हो, बोलो आज का दिन कैसा जाएगा उसके बारे में आप एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए खुद को कुछ अफर्मेशंस देते हैं, खुद को कुछ सजेशन देते हैं, कुछ थॉट्स डालते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव थॉट डालेंगे तो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होते जाएंगी, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट आते जाएंगे। और समझो निगेटिव थॉट अंदर है और आप पॉजिटिव डाल रहे हो, तो क्या होगा, कम से कम ये पॉजिटिव थॉट्स का बीजारोपण अंदर हो जाएगा और पॉजिटिव, तो निगेटिव थॉट दब जाएंगे, कम से कम पॉजिटिविटी आ जाएगी। फिर हमने क्या करना, उठने के बाद में समझो आप ब्रश करते हो, पानी पीते हो, चाय पीते हो, जब चाय के टेबल पे जाते हो वहाँ भी सबको यही बोलना है कि चलो आज बताओ क्या करने वाले हम लोग, आज का दिन कैसा जाएगा, किस तरह से पॉजिटिविटी हम लाने वाले हैं, आज क्या नया सीखने वाले हैं, चलो सबको बोलो, फैमिली मेम्बर को बोलो चलो ऐसा करेंगे, हम बैठेंगे बातचीत करेंगे, क्या नई चीज़ सीखने वाले हैं। मतलब आप एक संभावना की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि रेसिग्नेशन एंड सिनिसिज्म। रेसिग्नेशन सिनिसिज्म तो अपने दिमाग में पूरा घुसा हुआ है, ठोस ठोस के भरा हुआ है, हम रिजाइन और सिनिकल है, कुछ नहीं हो सकता, कोरोना चालू है, धंधे मंदे है, बहुत डिफिकल्ट है, किसी को कोरोना हुआ वो मर गया, ये मर गया, वो सीरियस है, फलाना है, धमाका है, सब निगेटिव निगेटिव, पता नहीं कैसा होगा, भगवान भरोसे है, ऐसे सब निगेटिविटी हम चालू कर देते हैं। उसके बदले हम पॉजिटिविटी चालू करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे, पॉजिटिविटी स्पेस में आएंगी, पॉजिटिविटी घर में आएंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, जिसके वजह से एक नई जिंदगी, एक नया दिन की शुरुआत हम करेंगे और देखिए फिर कितना मज़ा आ जाएगा। रात को सोने के समय भी हम ये कर सकते हैं, सोने के समय पॉजिटिव थॉट्स डाल के सोने का है सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि आपको सपने भी शायद अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, डरावने निगेटिव सपने नहीं आएंगे। तो ये हम करते हैं डेफिनेटली, तो आपको फायदा होगा, देखो करके। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।